बलौदा बाजार जिले के टुंड्रा तहसील के ग्राम हासुआ में अतिक्रमण हटाने को लेकर तहसीलदार पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाकर एक युवक न्याय की मांग करते हुए तहसीलदार की कार के आगे ही लेट गया। दरअसल कसडोल ब्लॉक में टुंड्रा तहसील के हसुआ गांव में कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, जिन्हें हटाने के लिए प्रशासन ने कुछ दिन पूर्व नोटिस जारी किया था। समय अवधि समाप्त होने के बाद तहसीलदार चित्ररेखा चंद्रवंशी स्वयं अपनी टीम के साथ गांव पहुंची और टीकम साहू नामक व्यक्ति के घर को तोड़कर अन्य कब्जेधारियों को छोड़ दिया। इसी बात को लेकर टीकम साहू का पुत्र योगेश साहू तहसीलदार से विवाद करते हुए जमीन पर लेट गया और कहने लगा कि ये गलत है, केवल मेरे घर को तोड़ा गया है, हमसे भेदभाव किया जा रहा है, मैं नहीं हटूंगा, न्याय होना चाहिए। मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने किसी तरह युवक को तहसीलदार की कार के सामने से हटाया, तब जाकर तहसीलदार वहां से रवाना हुई। मकान तो श्यामलाल का है, मकान तोड़वाओगे नहीं तोड़वाओगे? मकान भी टूटेगा लेकिन सब टूटेगा, निजी नहीं फंसा है, पूरा निजी तो पीछे पीछे में वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। हम तेरा उसमें 13/1 में चले आए हैं, 14/1 में हाँ तो 13/1 में यही है, 13/1 में भी है मकान है, ले रिकॉर्डिंग सीमांकन है उसमें तो है ना, उसमें है, देखिए देख चुके हैं अपन, है नहीं एक गलत बात है, मैडम गलत है, आए हो देख लीजिए, अन्याय करने आए हैं, चलो साइड हो जाओ, ऐसा नहीं होता, देखिए आप लोग ठीक है, ऐसा नहीं होता, गलत नहीं होता, चलिए चलो इधर फोन लगा, चल चल फोन लगा, न्यायालय में नहीं फोन लगा।